स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें हम आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, शो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, ये एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इसमें गिवन है, इज सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई इज इक्वल टू जीरो, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो इज जीरो मैट्रिक्स। ये जो जीरो है ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स से हमें क्या सेटिस्फाइड करना है कि ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाइड करनी है, मतलब कि जो LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें टर्म दी हुई है इसकी वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के इक्वल लानी है। तो क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फोर ए फाइंड करेंगे और फाइव आई, यहाँ आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, हम इसको बता चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। उसके बाद हमें जीरो क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो जीरो मैट्रिक्स होता है, आप जानते हैं। हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी हमें मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन इसका, गिवन दैट हमें गिवन है ये मैट्रिक्स, इम्प्लाइज दैट फोर ए, मतलब कि फोर की हम मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करें तो क्या होगा, फोर की ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, फोर एट 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 फोर एट 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 फोर, आप कर सकते हैं इजीली। एंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, जैसा कि आप जानते हैं, क्या करें कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करें, यहाँ हमने ए मैट्रिक्स लिखा, दूसरा ए मैट्रिक्स, दोनों सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। देखिए इसका सॉल्यूशन हमने डायरेक्ट लिखा है, ये होगा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, इसकी कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, क्यों, और अगर जिसकी समझ में नहीं आया हो तो वो आप, हमारा टॉपिक है पिछली वीडियो लेक्चर्स में, पीछे की वीडियोस आप देखेंगे उसमें आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वहाँ से आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ईच टर्म वहाँ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो एक टर्म में ही समझा देता हूँ फिर भी कि इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होनी है, कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वन की मल्टीप्लाई वन से, टू की टू से और टू की टू से, तो वन की वन से वन प्लस टू की टू से फोर प्लस टू की टू से फोर, तो थ्री एलिमेंट है, इन थ्री एलिमेंट से मल्टीप्लाई की और बीच में क्या लगेगा, तीनों के प्लस, वन प्लस टू प्लस सॉरी वन प्लस फोर प्लस फोर यानी कि नाइन। अब ऐसे ही हमें इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से और इस कॉलम से करने के बाद ये लिखे जाएंगे, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई तो ये थ्री एलिमेंट बन गए, सेकंड रो के लिए ये, फिर थर्ड रो के लिए फिर, तो मैंने जनरली ओरली बता दिया है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप उस मैट्रिक्स का जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ए स्क्वायर आ गया, आगे देखिए फाइव आई क्या करना है, फाइव की मल्टीप्लाई आई मैट्रिक्स है, तो आपको क्वेश्चन में आई मैट्रिक्स गिवन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हमें पता है और ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। क्या मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, मतलब कि डायगोनल के एलिमेंट वन होते हैं बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं।
5 की मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, आप कर लेंगे क्या, 5 की 1 से होगी, इस 1 से होगी और इस 1 से होगी, 5 5, बाकी 5 की मल्टीप्लाई 0 से क्या होती है, 0, बाकी सब 0 होंगे, तो ये 0 ही होगा। देखिए आगे, अब हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन में हमें LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी जो टर्म दी हुई हो थी ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई, तो हमने ए स्क्वायर यहाँ ये वैल्यू निकाली, यहाँ लिखा माइनस, ये वाला माइनस लिखा, फोर ए, फोर ए देखिए हमने यहाँ सबसे पहले फोर ए ही फाइंड किया गया है, ये हो गया माइनस का फाइव आई, तो फाइव आई ये आया कंप्लीट। ठीक है, क्या करें, इसको हल करें, सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें, तो ऐसा मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ऑल एलिमेंट्स 0। ठीक है, देखिए आगे, हाँ यहाँ मैं समझा देता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस किए जाते हैं, देखिए 9 माइनस 4 कितना रहा, 5, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 0 और 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8, 8 में से 8 माइनस करें 0 आएगा और 0 में से माइनस करें ये वाला 0 तो 0 रहेगा। ऐसा आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स, इसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्रूव हो गया हमारा जो पार्ट था क्या, ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई इज इक्वल टू जीरो प्रूव, तो हमारा एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट था कि इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो देखिए इनवर्स फाइंड करने का सेकंड मेथड, एक हमने किया था एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए, यानी सारणिक ए, सेकंड मेथड। इसके बाद फिर थर्ड मेथड भी है, तो क्वेश्चन जिस मेथड से पूछा जाए उस मेथड से सॉल्व करना है, और अगर किसी भी मेथड का नाम नहीं हो कि इस मेथड से सॉल्व करना है, तब फिर हम किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, हम इस इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, समझिए ए इनवर्स का मतलब है ए की पावर माइनस वन, यहाँ कितना है ए की पावर टू, तो टू में से माइनस वन करें कितना रह जाएगा, ए की पावर वन यानी कि ए माइनस, इस ए इनवर्स की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो फोर ए इनवर्स ए माइनस, यहाँ भी होगी ए इनवर्स आई, जीरो में होगी तो जीरो होगा। अब इसको और सरल करते ए माइनस, देखिए जो ए इनवर्स और ए जो होता है इसकी जगह आई हो जाता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला है कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के करते हैं तो क्या आ जाता है आई, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया आई माइनस, किसी मैट्रिक्स की अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो वो मैट्रिक्स ही आता है, ये आई क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे, तो सॉल्व होकर ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व होकर ये आ गई, हमें ए इनवर्स निकालना है ना, तो ये वाली टर्म हम इस साइड ले आए तो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, इधर रह गया ए माइनस फोर आई, फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो फाइव है ये इसके क्या आ जाएगा, फाइव ए इनवर्स इज इक्वल टू ए माइनस फोर आई, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो फाइव है ये डिवाइड में आ जाएगा वन अपॉइंट फाइव ए माइनस फोर आई, तो इससे ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला बन के आ गया, इससे जो हमें यहाँ प्रूव्ड किया था। ठीक है,
अब हम क्या करें, ए मैट्रिक्स लिखे हैं यहाँ और यहाँ 4i, देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 1/5 लिखा, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स लिखा माइनस ये 4 लिखा, तो आई की जगह पर आई मैट्रिक्स लिखा। जैसा कि हमने अभी बताया आई मैट्रिक्स ये होता है और ए मैट्रिक्स ये होता है, क्वेश्चन में दिया है ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, क्या 100 010 001 के डायगोनल पर 1, बाकी सारे 0, ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करें, ये 1/5 ये लिखा, ये ऐसे ही लिखा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई कर ली हमने, मल्टीप्लाई आप सिंपली जानते हैं 4 की 1 से 4, 4 की 0 से 0, 0 से 0, बाकी ऐसे ही सारी मल्टीप्लाई आप सिंपली समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या इनवर्स इक्वल ये 1/5 ये लिखा, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझा दिया गया है। करस्पोंडिंग एलिमेंट्स में से माइनस किया जाता है, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट, तो 1 में से माइनस किया जाएगा 4 को, तो 1 - 4 कितना होगा माइनस का 3, 2 - 0 2 2 - 0 2, ठीक है ना। सेम प्रोसेस सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, तो हमारा मैट्रिक्स का जो इनवर्स आया फाइंड होकर वो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है, कंप्लीटली आप देख लीजिए ये ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया है वो यहाँ से यहाँ तक, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो देखिए क्वेश्चन ये, इसका सॉल्यूशन ये कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक और ये जो कि आंसर आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, हमने दोनों सॉल्व किए और हमें लगता है समझ आए होंगे। ठीक है, कम्प्लीटली मैंने वीडियो क्वेश्चन दिखा दिया है आपको, कि अगर पूरा देखना है कंप्लीट तो ये